और चलिए आगे बढ़ते हैं और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटी पीएमएस मनीष सोनथालिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए सर, क्या लग रहा है बाजार का डायरेक्शन? थोड़ा रुकने का मूड बन रहा है, ये इतनी तेजी के बाद कंसोलिडेशन होगा या फिर अब आगे बढ़ना मुश्किल है? नहीं, मेरा ध्यान तो तेजी का ही है अनिल जी। ऐसा है कि ब्रेक्सिट के बाद काफ़ी बाजार में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुए थे और वो शॉर्ट पोजीशंस अभी तक बराबर हुए नहीं हैं, तो बाजार नेट में शॉर्ट है। और अगर जो फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो अगर ठीक ठाक आ जाते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि बाजार यहाँ से भी और ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको एक बेस इफेक्ट क्वार्टरली अर्निंग्स में दिखेगा जो कि मार्केट्स में अभी तक फुली फैक्टर्ड इन नहीं है। तो मेरा ध्यान तेज है और मुझे ये लगता है कि 31 मार्च 2017 के पहले बाजार नया हाई टच कर लेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ से नए हाईज बनते हुए नजर आएंगे कुछ ही दिनों में। ये बताइए सर, कौन से वो सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे? आईटी ने तो कम से कम दिग्गजों ने भी और जो मिड कैप कंपनी अब तक पेश की उन्होंने निराशा दिखाई है। कल एचयूएल का नंबर वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से ठीक नहीं आया। कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ से आपको अपेक्षाएँ हैं अच्छे नंबर्स पेश होने की इस बार? देखिए, इस क्वार्टर की अगर आप पूरे क्वार्टर की बात करें तो ये क्वार्टर भी सेंसेक्स अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या निफ्टी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं रहेगा। अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल कंपनीज या पीएसयू बैंक्स के लॉसेस को हटा दें तो भी 4-5% से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगा। उसमें अगर आप देखें तो सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर, डिस्क्रेशनरी स्टेपल्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये सब सेक्टर्स जो हैं आउट परफॉर्म करेंगे रेस्ट ऑफ द मार्केट के कंपैरिजन में। बट सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स एक ब्रॉड बेस्ड बेस इफेक्ट आएगा जो कि जो लगाज हैं मेटल्स, पीएसयू बैंक्स टू सम एक्सटेंट, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स, कैपिटल गुड्स कंपनीज, गवर्नमेंट इंफ्रा केपेक्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सब बेस इफेक्ट में जब आएंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर से 12-13% का ग्रोथ दिखेगा जो कि मार्केट्स में अभी फैक्टर इन हो रहा है। तो इस क्वार्टर के, और अगर आप देखें तो कुछ आने मतलब अभी तक जो बाजार में हमने देखा है कि सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं, पीएसयू बैंक्स या फिर मेटल कंपनीज, तो मार्केट्स फ्यूचर को देख रहा है। सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो बेस इफेक्ट में आएगा उसको प्राइस इन कर रहे हैं। सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो हैं वो मेटल्स और पीएसयू बैंक्स हैं, जबकि नतीजे सबसे खराब इन दोनों सेक्टर्स के ही आएंगे। तो फ्यूचर को देखते हुए मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ग्लोबल सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ से जो पॉजिटिविटी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी वो ग्रेजुअली मार्केट्स में प्राइस इन होगा। तो ये रिजल्ट्स के लिहाज से एक्शन है, लेकिन एक बड़ा एक्शन लोकल ट्रिगर्स के लिहाज से है, वो है मनीष जी जीएसटी बिल को लेकर। क्या लगता है आपको, बाजार कितना मानकर चल रहा है जीएसटी बिल पास होना ही है, और अगर इस सत्र में नहीं पास हुआ या डिले होता हुआ दिखे जैसा कि लग रहा है तो फिर क्या बाजार के लिए ऊपर जाना मुश्किल है? कितना डिस्काउंटेड है और कितना डिस्काउंट होना बाकी है? नहीं, अभी जो मार्केट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी नीचे जा रही है, रिस्क प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम ग्लोबली नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होते हुए भी यू नो पी मल्टीपल्स एक्सपैंड हो रहे हैं। तो ये जीएसटी के पास होने या न होने से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर जीएसटी पास हो जाता है और मार्केट्स में लास्ट वीक 10 डेज में कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होने शुरू हो गया, यू नो पर्टिकुलरली कल से, जबकि यू नो कांग्रेस की तरफ से ये बातें हो रही है कि नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो अब कुछ आशाएं बन रही है कि अगर ये वोट में भी जाता है और अगर दूसरे पार्टी सपोर्ट कर देते हैं तो एक संभावना बनती है जीएसटी पास होने की। अगर नहीं पास होता तो मार्केट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होगा क्योंकि ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है, बट लास्ट फ्यू डेज में एक्सपेक्टेशंस बननी शुरू हो गए, अगर पास हो गया तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। फ्लोज जो हम देख रहे हैं मनीष जी वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, पिछले 4 महीनों में एफआईएस के फ्लोज इतने ज़बरदस्त नहीं देखने को मिले और ख़ासतौर पर पिछले 6 दिनों में देखिए 4,900 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग। क्या लगता है इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज बरकरार रहेंगे और भारत को ये फ्लोज मिलते रहेंगे या थोड़ी चिंता की बात आगे चलकर आपको लग रही है, क्या व्यू बन रहा है इस पर? देखिए, अगर ग्लोबल सिचुएशन ठीक ठाक रहा तो करेंसी अगर स्टेबल रही इंडिया की तो
फ्लोज आने वाजिब है और जो इंडिया की इमेज है इंटरनेशनल मार्केट्स में वो बहुत कुछ सुधरी है। एक जो बड़ा थीम उभर कर आ रहा है वो है डबलिंग ऑफ फार्म इनकम बाय 2022 और फॉरेनर्स ये थीम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स हो रहा है यू नो रूरल हाउसिंग बोलिए या MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोडक्ट्स की इंक्रीज होने की बात हो रही है या फिर DBT यू नो LPG केरोसिन ये सब जो फैक्टर्स है और ग्लोबल एग्री कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़े ऊपर हैं वेल्थ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो ये डबलिंग ऑफ फार्म इनकम का जो थीम है जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा की तरफ से दिख रहा है वो एक पर कैपिटा इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिवली देखा जा रहा है और इसी कारण इंडिया की जो छवि है फॉरेन मार्केट्स में और फॉरेनर्स के आइज में वो थोड़ी बेटर हो रही है और इसी के कारण हम स्ट्रॉन्ग फ्लोज देख रहे हैं। लेकिन एक स्पेस जहां पर एक्शन काफ़ी अच्छा दिखा है वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से वो है सीमेंट और सीमेंट में जैसा आप कह भी रहे कि नतीजे थोड़े से बेहतर हो सकते हैं इस वक्त वैल्यूएशंस के लिहाज से कहां पैसा लगाने का मौका है क्या दिग्गज शेयर खरीदे जाएं नतीजे पहले या फिर मिड कैप सीमेंट शेयरों पर आप बुलिश हैं कहाँ पर आपका रुझान पॉजिटिव है इस वक्त? देखिए सीमेंट एक कमोडिटी है वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है लास्ट क्वार्टर में 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है और मेजर कोई चेंजेस नहीं है प्राइस रियलाइजेशन अगर थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं और वो अर्निंग्स में दिखेंगे पर वैल्यूएशंस एकदम भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप देखें लार्ज कैप सीमेंट कंपनी सब यू नो एनीवे बिटवीन 12-15 times EV/EBITDA में ट्रेड हो रहे हैं कमोडिटी कंपनीज को इतने ज़्यादा वैल्यूएशन मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सीमेंट की तरफ देखना चाहो सीमेंट आउटलुक इज क्वाइट बुलिश फॉर द नेक्स्ट 2-3 years पर नियर टर्म वैल्यूएशन लार्ज कैप में एकदम अनकंफर्टेबल है। मिड कैप सीमेंट्स जो कि सेंट्रल नॉर्थ इंडिया के पोजीशंस में हैं उसमें अभी भी काफ़ी कुछ वैल्यूएशन में कम्फर्ट है और यहाँ पर मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा देखिए एक पैक जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ हफ्तों में दिखाया है वो है PSU पैक का। अब थोड़े से ठंडे होते हुए दिख रहे हैं PNB अलाहाबाद यूनियन बैंक नतीजों के करीब जब पहुंचेंगे तो यहां पर घबराहट बढ़ जाती है। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पिछले क्वार्टर से बेटर होंगे और क्या खरीदने चाहिए सिलेक्टिवली PSU बैंक या फिर इतनी बड़ी रैली के बाद एक बार नंबर्स का वेट कर लें? एकदम वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है और फंडामेंटल्स ख़राब ही हैं। अगर आप करेंट क्वार्टर के नंबर्स अभी तो PSU बैंक्स के आए नहीं हैं पर जब आएंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 40% डीग्रोथ होगा YOY प्रॉफिट्स के लॉसेस नहीं होंगे पर प्रॉफिट्स में डीग्रोथ 40% होंगे। लास्ट क्वार्टर तो हमने भयानक लॉसेज देखे हैं ईच ऑफ द PSU बैंक। इस PSU बैंक की NPA पोजीशन नेक्स्ट 2 साल में अगर सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। कैपिटल इन्फ्यूजन पर क्लैरिटी अभी भी बिल्कुल नहीं है और एक होप बना है पर होप कहां तक जाएगा ऊपर बोलना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। वैल्यूएशन महंगे हैं और ऐसे में तेजी तो पहले हो चुकी है अब वही इंतज़ार वही हो रहा है कैपिटलाइजेशन कब होगा रोज़ उसी उम्मीद में शेयर चल रहे थे अब थोड़े कमज़ोर होते दिख रहे हैं। हम जो सुबह सुबह भी हम बात कर रहे थे 2-3 PSU बैंक अब देखिए तेज़ी से गिरते हुए दिख रहे हैं अलाहाबाद OBC PNB ये दोनों तीनों शेयर जिनकी हम बात कर रहे थे कि जहां पोजीशंस बनते हुए दिख रहे हैं अब देखिए बैंक निफ्टी कमजोरी को लीड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पर नज़र रखिए अगर बैंक निफ्टी में लगभग 0.5% के आसपास का नुकसान होता है तो फिर निफ्टी के लिए अहम लेवल्स को होल्ड कर पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल और सबसे कमज़ोर अगर सेक्टर कोई एक है इस समय तो जी हां वो PSU पैक ही है। PSU बैंक इंडेक्स अगर आप देखें तो 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी आपको इतनी गिरावट नहीं दिखा रहा क्योंकि ICICI जैसे कुछ दिग्गज हैं जो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं लेकिन अगर आपको रियल पिक्चर देखनी है बैंकिंग स्टॉक्स की और PSU बैंक्स की तो आपको देखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ PSU बैंक इंडेक्स जो 1% नीचे है और सबसे अच्छा प्रदर्शन हम आपसे कह भी रहे थे वो सेक्टर दिखा रहा है आज वो मेटल पैक ही है। और सर व्यू आपसे इस पे लेना चाहता हूँ टाटा स्टील देखिए जिस तरह से अच्छी रैली पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से दिखा रहा है हिंडालको 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है अल्कोआ के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं रियो टिंटो कह रहा है कि प्रोडक्शन उनका बढ़ रहा है और इस तरह के स्टेटमेंट्स काफ़ी दिनों बाद हम रियो टिंटो जैसी कंपनियों से सुन रहे हैं एल्युमिनियम आयरन और कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हम देख रहे थे पहले तो कैपेसिटीज को कट करने की बात कर रहे थे ग्लोबली ये कंपनियां
इस सेक्टर में क्या इस समय निवेश के मौके हैं लॉन्ग टर्म के लिए? कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को आप चुनना चाहेंगे या आप इनके नंबर्स का आने का वेट करेंगे, क्योंकि इस बार हम कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे जो कह रही हैं कि नंबर्स इनके शायद बेटर आ सकते हैं? देखिए, सेक्टर काफ़ी डिस्ट्रेस्ड है, बहुत डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस में ट्रेड हो रहे थे और वो डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहे हैं जो कि स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन में दिख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल्स में इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेटल्स जो सुपर साइकिल है वो चाइना पर डिपेंडेंट है और चाइना का सुपर साइकिल जो है वो मेटल का जो सुपर साइकिल है चाइना ग्रोथ के कारण ओवर हो गया है। नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी मेटल्स पैक में फुल फ्लेजेड रूप से 2020 के बाद ही आएगा। बिटवीन नाउ एंड देन इट इज़ ऑल अबाउट टैक्टिकल मूव्स। अगर आप देखें कि इन सब कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत स्ट्रेच्ड है, और रियलाइजेशन ठीक है प्रोडक्शन आप बढ़ा लेंगे पर रियलाइजेशन जो है वो ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, चाइना पर बिल्कुल ही डिपेंड करता है। कहाँ तक एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार लगा सकती है ये मेटल कंपनीज को प्रोटेक्ट करने, वो देखने वाली बात है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल कंपनी के शेयर में निवेश मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन से वो डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन थोड़े करेक्ट हो रहे हैं और यू नो इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट। शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम सेक्टर्स पर और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। इस बीच बाजार देखिए 8000